92 न्यूज लाया YouTube पर एंटरटेनमेंट, बेशुमार टॉक शोज और फेवरेट वीडियोस। अपने पसंदीदा प्रोग्राम्स देखने के लिए अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और मजीद अपडेट्स जानने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, इस्लामाबाद स्टूडियो से मैं हूँ सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा, आमिर मतीन भी हमारे साथ स्टूडियोस में ही मौजूद हैं। मौजूदा असेंबली के 5 साल मुकम्मल होने से पहले एक बहुत बड़ा सियासी स्कैंडल बेनकाब। महज 5,000 रुपयों के अलाउंस के लिए पार्लियामेंटेरियंस पूरे कौम को धोखा देने लगे। कौमी असेंबली के रजिस्टर पर 115 अराकीन असेंबली की हाजिरी मौजूद, मगर हैरान कुन तौर पर कौरम पूरा ना होने की वजह से मुलतवी करना पड़ गया। हमारे जमाने में कुछ नहीं हुआ, इस हुकूमत ने भी कुछ नहीं किया, आइंदा भी बेहतरी की कोई उम्मीद नहीं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद नवीद कमर का शदीद इजहार मायूसी, इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ मुल्ज़िम नवाज शरीफ और इसके खानदान का ट्रायल तेजी से अपने इख्तिताम की जानिब बढ़ने लगा। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई डेडलाइन में सिर्फ 17 रोज बाकी। नवाज शरीफ ने 128 में से 123 सवालात के जवाबात दे दिए, मगर जराए आमदन, मनी ट्रेल और लंदन फ्लैट्स की रसीदों के जवाबात आज भी ना दे सके। सबूतों के अंबार लगाने के दावेदारों के पास सिवाय कतरी खत के कोई रसीद या फिर सबूत मौजूद ही नहीं। हसन और हुसैन अपने कॉलोफेल के खुद जिम्मेदार हैं। नवाज शरीफ ने पूरा मलबा वालिद और बेटों पर डालकर खुद को बरी जिम्मा करार दे दिया। तफसील से इस पर बात करने के बाद जब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जानी बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान टोबैको कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने FBR और हुकूमत दोनों ही बेबस। FBR की आवाम के जेब पर डाका डालने वाली मोबाइल कंपनियों से 51 अरब रुपए की टैक्स वसूलियां, मगर दूसरी जानिब सिगरेट माफिया को खुली छूट दे दी गई। इंसानी सेहत को महफूज बनाने के लिए पूरी दुनिया में सिगरेट महंगे मगर पाकिस्तान में सस्ते कर दिए गए। ऐसा आखिर कौन सा माफिया है जो पाकिस्तान में सिगरेट की कीमतें नहीं बढ़ने दे रहा, और इस कातिल की सरपरस्ती कौन और किस मुफाद के तहत कर रहा है, अंदर की कहानी आपके साथ शेयर करेंगे। प्रोग्राम के जब तीसरे हिस्से की जानिब बढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि नून लीगी तजुर्बाकार हुकूमत ने PIA को खड़ा करने की बजाय कई अहम रूट्स पर परवाजें ही बंद कर दी। अमेरिका में विफात पा जाने वालों की मैयतें वापस लाने के लिए पाकिस्तानियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। PIA बोर्ड की एक जानिब अबू धाबी के शेख के होटल को 1.5 अरब रुपए मुआफी की सिफारिश, तो दूसरी जानिब मुनाफा बख्श रूट्स को बंद कर दिया गया। PIA अंधेर नगरी चौपट राज की तस्वीर बन गया। ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किलात से मुतालिक न्यूयॉर्क से अहम इंकशाफात आपके साथ आज हम शेयर करेंगे। और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको बताएंगे कि महकमा PWD और सुई गैस के दरमियान चपकलिश की सजा तालिबात को भुगतना पड़ गई। तमाम वाजिबात अदा करने के बावजूद फातिमा जिना वर्किंग वुमेन हॉस्टल का गैस कनेक्शन काट दिया गया। माह रमजान में सहरी और इफ्तारी के लिए तालिबात को इंतहाई मुश्किलात का सामना। तफसील से इस तमाम एजेंडे पर गुफ्तगू करेंगे, मगर सबसे पहले बात होगी असम्बली से मुतालिक। क्लासा साहब, हाजिरी 115 अरकान की लगी है, कौरम फिर पूरा नहीं हो गया, नवाज शरीफ सच्चे तो नहीं हो गए कि खलाई मखलूक वाकई आ गई हो जमीन? बड़ी आमिर साहब, मैं मतलब अब जा रहे हैं बड़े अरसे से, तकरीबन कितने साल हो गए, 16 साल मुझे हो गए पार्लियामेंट को कवर करते, आपको 30 साल के करीब होने वाले हैं। हम सुनते थे पहले इस तरह की खबरें और ये चीज़ें, कोई सबूत नहीं हाथ चढ़ते थे हमारे, तो लोग हमें बाज़ दफ़ा कहते हैं जना आप, कि आप चीज़ें छुपा लेते हैं, आप हमें पूरी बात नहीं बताते, आप भी उनको कवर अप करते हैं। तो उन लोगों की इतला के लिए अर्ज है कि बहुत सारी चीज़ें हम सुन रहे होते हैं इधर उधर से, दाएँ बाएँ ऊपर नीचे, तो लेकिन जब तक हमारे पास अब कह सकते हैं एविडेंस ना आ जाए तो हम आके यहाँ टीवी पे बात नहीं कर सकते। दस्तावेजी सबूत ना हो, जी ना हो, क्योंकि बहुत सारे कवानीन हमारे पे भी अप्लाई करते हैं, हम कोई कहते हैं ना कोई मदर पिदर, कोई यहाँ पे आज़ाद तो है नहीं। अब हमारे साथ हाथ एक बहुत बड़ा एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी लगा है, और कौमी असम्बली के वहाँ तर्जमान से मेरी बात हुई है, उन्होंने तस्दीक भी की है, लिहाजा हम इसको मेन स्टोरी बना रहे हैं, और इससे लगेगा, आपको पता चलेगा कि इस कौम की जिसकी अखलाकियात की बात अब कल रात ही फरमा रहे थे, उसकी अखलाकियात कौम को तो छोड़ देना, जिनको हम ताने देते हैं, बिरयानी पे बिक जाते हैं, आपके बकौल कीमे वाले नान खा के वोट डालते हैं, उनको तो भूल जाएं कि उनको सोशल इकोनॉमिक क्या कंडीशंस हैं, आवाम की 20 करोड़ या 22 करोड़ में से 50% गरीब है, वो कीमे वाला नान भी खाए तो आप और मैं उसकी जान को आ जाते हैं, पूरी कौम इसी पर लगे जी बिरयानी खा के कीमे वाला नान खा के वोट देंगे। अब जरा सुने, ये बड़े लोग हैं, इनकी किसी वक्त गाड़ियाँ दिखाएं
जिन ये गाड़ियों पे आते हैं, लैंड क्रूजर पे, प्राडो पे, या इनके पीछे हट्टो बच्चे गाड़ियां हैं, कितने छोटे लोग निकले हैं ये लोग सुन के, ये मेरा ख्याल हैरान होंगे। तमीज में जानबूझ के बांध रहा हूँ क्योंकि बात ऐसी है, बात ऐसी है मेरे साहब। ये कल मैं भी किया था कौमी असम्बली, मैंने भी आपको बताया था कल वहाँ पर 2 घंटे तक हाउस का इजलास नहीं हुआ। उसकी रीज़न क्या थी कि बंदे पूरे नहीं है। बंदे कितने पूरे होने चाहिए? वो होने चाहिए 86 के करीब, 86 आपको आपको मिनिमम, चलो 83 पे भी हो जाता है, 84 या 85 तकरीबन आप कहें कि एक लिमिट रखी हुई है, एक चौथाई जो है आपकी 84 से लेकर 86 के दरमियान अगर हाउस में लोग मौजूद हों, 200 आपके 342 के हाउस में अगर 82 से ना लेके 86 तक लोग मौजूद हों तो हाउस वहाँ चल सकता है। ये इसकी इसका बैकग्राउंड है। कल हम बैठे रहे हैं 2 घंटे तक, वहाँ पर हाउस में आपके 82 या 86 लोग मौजूद नहीं थे और इसीलिए कल वहाँ इजलास नहीं हुआ। आज हमारे रिपोर्टर जो इमरान मगराना साहब जो हैं वो बड़ी आंख रखते हैं इन चीज़ों पे। अभी हमने बैठ के कौमी असम्बली का हमने इनकी वेबसाइट देखी है कि जब कल का इजलास जो नहीं हुआ, हम चेक करते रहते हैं वहाँ पे कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही हैं। आज पता ये चला है कि जनाब की कोई वहाँ खलाई मखलूक आई हुई थी वहाँ पे कल कौमी असम्बली में, खलाई की मखलूक वहाँ भी पहुँच गई है। ये भी खलाई मखलूक के काम है ना, जो मैं भी आपको बताने वाला हूँ। इट्स ए शेम, जो मैं भी आपको चीज़ें बताऊँगा, इट्स ए शेम फॉर द होल नेशन जो चीज़ें अभी सामने आने वाली हैं। आज ये पता चला है जनाब, हम तो कल काउंटिंग करते रहे वहाँ पर 86 लोग भी नहीं थे। आज उनका अपना डाटा है कौमी असम्बली की वहाँ वेबसाइट से हमने लिया है, डॉक्यूमेंट डाउनलोड किया आपके सामने स्क्रीन पर, वो कहते हैं कल कौमी असम्बली के हाल में 115 लोग मौजूद थे। क्या बात है, जरा गौर फरमाएं। मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करने दें कि हाउस को चलाने के लिए आपको 86 लोग चाहिए, एमएनए चाहिए। कल 86 लोग नहीं थे, इजलास नहीं हुआ, 2 घंटे वेट किया गया कि आ जाएं, जब वेट के बाद भी नहीं है तो इजलास उन्होंने मुलतवी कर दिया। आज ये पता चला जनाब कि हाउस के अंदर 115 लोग मौजूद थे, तो जनाब वहाँ तो आप कह सकते खलाई मखलूक थी या उन्होंने सलमानी टोपियाँ पहनी हुई थी जो नज़र नहीं आई। अब ये देखें फ्राड देखें इस कौम के साथ, मुल्क के साथ। ये एमएनएज हैं, हम उनकी बात करें जिन्होंने जैली यहाँ पे हाजिर लगे हैं। आमिर साहब, अगर आपका वहाँ पे 80 लोग थे या 75 लोग थे, बाकी आपके 45 लोगों की जैली, 45 के हैं, 40 के हैं, एटलीस्ट में 86 के बाद चले हम कहते हैं कि 80 के करीब लोग थे, 80 के बाद 20 और 15 35 लोगों ने कल जैली और फ्रॉड काम किया है, एमएनएज ने जिन्होंने हल्ला उठाया हुआ है। और किस लिए किया है? उन्होंने 2 काम किए हैं यहाँ पर। एमएनएज जो है अक्सर इनका भाईचारा चलता है जनाब। भाईचारा क्या है कि यार मैं नहीं, मैंने फ़ोन कर दिया, हेलो आमिर साहब और तुम जा रहे हो असम्बली? जी जा रहे हैं। और यार मेरी हाजिरी ला दें। आमिर साहब ने लगा दी। अगले दिन आमिर साहब ने मुझे फ़ोन किया कि रोफ साहब तुम गज आज जा रहे हो पार्लियामेंट? हाँ जी। और यार मेरी हाजिरी लगा दी। अब ये हाजिरी के पीछे क्या कहानी है? ये असल स्कैंडल है। हाजिरी के पीछे ये स्कैंडल है। एक इजलास अगर आप अटेंड करें, आपकी हाजिरी लगी हुई हो ना, तो आपको मिलता है 5,000 रुपया। अगर आपकी हाजिरी नहीं लगी हुई तो आपको अलाउंस नहीं मिलता। आपको एक दिन का जो है ना आने का तनख्वाह अलहदा 4-5 लाख रुपए सैलरी भी ले रहे हैं। इनका मेडिकल फ्री है, इनकी ट्रैवलिंग फ्री है, इनकी बाकी इनको फैसिलिटीज़ मिली हुई हैं कि आप लोगों का ये जो है ये पैकेज, वो पैकेज भी आके बात करते हैं। आपकी अगर एक दिन आप असम्बली में नहीं है तो आपको 5,000 रुपये नहीं मिलेगा। आपने सेशन अटेंड किया है तो आपको मिलेगा 5,000। आज पता यह चलता है कि जनाब 30 या 35 आपके एमएनएस की हाजिरियां जैली लगाई गई हैं सर, कम से कम इतने। ये कम से कम बता रहा हूँ, ये ज्यादा भी हो सकते हैं, ये ज्यादा भी हो सकते हैं। आपका अगर हाउस की ये हालात है, कोरम नहीं हुआ इसलिए वो काउंटिंग पता नहीं कितने हैं, ज्यादा हो सकते हैं। मैं वही बता रहा हूँ सर कि कोरम का भी एक नंबर हम ले लेंगे कि टोटल कल कितने लोग थे। बाकी हैं, मैं कहता हूँ 2 लोग भी हूँ, मैं कहता हूँ 10 भी हूँ, 35 तो मिनिमम पे आ रहे हैं ना आपके 80 के करीब। अगर 82 हो तो इजलास हो जाता, 83 होते हो जाता, नहीं हुआ हम चले जाते हैं, चले 80 पे चले जाते हैं, मिनिमम नंबर हम खुद रख लेते हैं जनाब 80 लोग मौजूद थे। इसके बावजूद भी अगर 35 एमएनएस की जैली हाजिरियाँ किसने लगाई हैं? 2 लोग हैं जो लगा सकते हैं। एक तो मैंने बता दिया कि एमएनए का भाईचारा चल रहा है। फ्रॉड देखें, मतलब इट्स ए शेम। तो स्कूल में भी नहीं होता, नहीं होता, बच्चे एक दूसरे की हाजिरी लगा दें। अच्छा बच्चों का एक और होता है, वहां पे आपको पैसे तो नहीं मिल रहे होते, ज्यादा से ज्यादा ये होता है कि उस्ताद अगले दिन को आपके हाथ पे 2-4 डंडे ना मारते। हमें तो ये डर होता है, डंडे वाला डरा तो इनको है नहीं। अगर इस मुल्क के एमएनए दूसरा क्या करते हैं, यहाँ पे जो है आपके आपके इनका सेक्रेटेरिएट का स्टाफ है कौमी असम्बली का, यहाँ पे तो खुशामदी ड्रम बीटर बैठे हुए हैं, ये उन हजरात को खुश करने के लिए, एमएनए को खुश करने के लिए कौमी असम्बली के कुछ लोग जो हैं वो भी हाजिरी ले लेते हैं। उनको फ़ोन चला जाता है, रऊफ साहब जी सर जनाब आज मैं नहीं आ रहा, मेरी जरा हाजिरी लगा दीजिएगा। वो कहते हैं सर अभी लगाते हैं। आपने सिर्फ सही नहीं करने होते हैं ना, मुझे ये समझाया जाए, ये जो वोट को इज्जत देने का नारा लगा रहे हैं, इनको शर्म नहीं आती? कोई शेम है? ये वोट की इज्जत है, ये वोट की इज्जत है। आप अगर नहीं कर, नुमाइंदगी है कौम की, नुमाइंदगी कौम की असेंबली, ये कौम असेंबली है जहां पे आप हल्ला उठाते हैं पहले दिन
कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम फ्रॉड नहीं करेंगे, इस मुल्क और कौम के वफादार रहेंगे, रियासत के वफादार रहेंगे, हम डिलीवर करेंगे। उसके बदले आपको क्या कुछ नहीं दिया जाता, 3-4 लाख रुपये आप सैलरी ले रहे हैं, मेडिकल फ्री, आपके ट्रैवल फ्री, PAA के वाउचर्स आपको अलहदा मिलते हैं, स्टे से आपको सब्सिडाइज मिलता है, आपको अच्छा अलाउंसेज अलहदा हैं, ये तनख्वाह के अलहदा या अलाउंस है? तनख्वाह तो फिक्स है कि साल का आपको सारी पर मंथ आपको 4 लाख मिलेगा या 3 लाख रुपया जो भी है, इतना है अभी नौ तनख्वाह बढ़ाई थी, सेशन का अलहदा मिलता है। दाद ने इस मुल्क और कौम के जो हम और उसका उसका मुझे वो कहते ना एक तरह का लतीफ़ा पिछले दिनों बना हुआ था कि बहुत सारे सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीज़ें डाल के तो लोग पूछते थे कि ट्रंप साहब जो है ना इस कौम से $30 अरब वापस मांग रहे हैं, ये इन पे भी फिट आते हैं ट्रंप साहब, ये तो वो कौम है, ऐसे बंदे इलेक्ट करके उन्होंने भेजे हैं जो 5,000 रुपये भी नहीं छोड़ने को तैयार। इट्स अटर शेम। मैं पूछना चाहता हूँ जनाब कि ये हमें बताया जाए कौमी असम्बली के हमारे स्पीकर साहब या सादिक साहब, सबसे कमजोर स्पीकर ये रहे वैसे पाकिस्तानी पार्लियामेंट हिस्ट्री में, सबसे कमजोर जिन्होंने आग इस हाउस की शान को कम किया है, इसको डिसग्रेस किया इस हाउस की शान में, वो अय्याज सादिक ने किया है। ये अय्याज सादिक साहब जो हैं ये हमें बताएं 115 लोगों की हाजिरी यहाँ पे कैसे लगी है जब कल हाउस में 80 बंदे भी नहीं थे, आपने बैठ के 35 से लेकर 40 लोगों ने इस कौम के साथ फ्राड किया है, ये फ्रॉड करने के लिए कि हमें यहाँ 5,000 रुपये मिल जाएगा, क्या उनको आइडेंटिफाई करेंगे? ये उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उनको इम्पीचमेंट की जाएगी? सर वहाँ पे एक दफ़ा स्कैंडल आया था बर्तानिया में, आपको याद होगा, एक ने कई दफ़ा आए वहाँ, एक्सपेंसिव स्कैंडल कहते हैं कि वहाँ का MP जो है उनको 1.5 लाख पाउंड के करीब मिलते हैं, उनको उनको साल का खर्चा मिलता है, अपने साथ आप स्टाफ रख रहे हैं, असिस्टेंट रख रहे हैं या सपोर्टिंग आपको स्टाफ, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने बीवी बच्चे रख लिए 2-4 ने। सर उसी हाउस में बैठ के हाउस ऑफ कॉमन्स में उनके फेलो कोलीग्स ने, उनके MPs ने, उन्होंने मोशन पेश की, उनके नाम दिए कि ये लोग हैं फ्रॉडी हैं, ये इस काबिल नहीं है कि हाउस ऑफ कॉमन्स में हमारे साथ बैठ सकें, उन्होंने इम्पीच करके बाहर फेंक दिया, जेल की सजा उनको अलहदा हुई। क्या इन फ्रॉडी MNAs को जो 30 से लेकर 40 के दरमियान है, पहले उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके नाम सामने लाए जाए कौम के सामने, ये कौन लोग हैं जिनकी जैली हाजिरियाँ लगी हैं, हाजिरियाँ इनकी किसने लगाई हैं, MNAs ने लगाई हैं या उन्होंने लगाई हैं, ये हमें पूरी की पूरी यहाँ पर रिपोर्ट दें। आमिर साहब जो यहाँ पे कहते थे वोट को दो इज्जत, जो बंदा 5,000 रुपये छोड़ने को तैयार नहीं है, आमिर साहब 5,000 आज के बाद आप ना ये कीमे वाले नान की कहानी ना सुनाया करें, ना ये बिरयानी की प्लेटों के वोटें देने वाले, आज के बाद पाकिस्तान के लोगों का हक बनता है, आपके नुमाइंदे अगर 5,000 रुपया भी नहीं छोड़े यहाँ पे, 5 रुपये भी छोड़ने को तैयार नहीं है, ये भी मेरी जेब में आज है, जिनको अल्लाह ने बहुत कुछ दिया हुआ है, ये लोग आए थे इस मुल्क की किस्मत बदलने के लिए आमिर साहब, कि हम आ रहे हैं हम आपकी भी किस्मत बदलेंगे, हम यहाँ गरीबों की भी किस्मत बदलेंगे, अवाम की भी बदलेंगे। जनाब अगर आपका लेवल रह गया है कि 5,000 रुपये तो दुकान कर दें, ये बंद, अब जमहूरियत पसंदों को पढ़ेंगे किराए के लिबरल और उनको ठगों से पूछना चाहिए, ये जमहूरियत थी जिसकी आप बैठ के सपोर्ट करते हैं और जिसके लिए आप आके हमारे साथ डिबेट्स करते हैं कि जनाब जमहूरियत खतरे में, ये खलाई मखलूक ने लगाई है सर, ये हाजिरें जो हैं ये खलाई मखलूक लगा के दी है। मैंने लास्टली बताऊं, मैंने यहाँ पे फोन किया जनाब तर्जमान कौमी असम्बली को, मैं एक्सीलेंसी मैं तो कल मौजूद था वहाँ पे, मुझे समझाया जाए ये 115 बंदे कहाँ से आ गए, कल तो हाउस में 80 बंदे नहीं थे, 70 ही नहीं थे, उन्होंने कहा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, उनके भी मेहरबानी उन्होंने मान लिया जनाब, ये मैं उनको भी दाद देता हूँ, नहीं तो आगे कोई 3-4 कहानियाँ हमें सुना सकते थे, यूँ नहीं होता वो नहीं होता, उनकी बड़ी मेहरबानी तर्जमान साहब की, बड़े अच्छे तरीके से मुझे कहा वहाँ के, बिल्कुल राउत साहब आप ठीक कह रहे हैं, तो मैं कैसे हुआ ये, हु हैज़ डन इट, तो तर्जमान साहब का ये कहना था जनाब कि होता ये है, अब उनका जो था जो उन्होंने था देर अपनी अपनी तरफ स्पिन तो देनी थी थोड़ी सी दी उन्होंने, उनका होता ये है कि लोग आते हैं हाजिर लगा के चले जाते हैं, मैं कि ये कोई यहाँ पे कोई कोई आपका कोई मेला लगा हुआ है, कोई यहाँ पे कोई कुछ चरागाह का कोई कोई आपके अब क्या कहते हैं मेला है, कोई चरागाह हो रहा है, कोई तमाशा हो रहा है या नुटंकी खेली जा रही है, कोई थिएटर लगा हुआ है क्या है, देखा वो भी वो भी बुरी बात है कि अगर आप सिर्फ इसलिए आ रहे हैं कि सिर्फ साइन करके भाग जाना, वो भी बुरी बात है, 5,000 के पीछे सिर्फ हाजिरी लगा के आप बैठ ही नहीं रहे हैं, वो भी बुरी बात है। तो उनसे मैंने पूछा, मैंने कैसे होता है जनाब ये कैसे हो गया, उन्होंने जनाब कि हम तो वो साफ है सरकारी अफसर है बेचारे, एक उनकी भी लिमिट थी, एक साफ ही से बात करते हो सारी बातें तो नहीं बता सकते, लेकिन उन्होंने ये कन्फर्म किया जनाब आपकी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ठीक है, 115 लोगों की हाजिरी लगी हुई रजिस्टर पर, रजिस्टर उसने का बहर पड़ा हुआ जनाब आते रजिस्टर पर, असल सवाल है जिसके पास वहाँ रजिस्टर्ड होता है जो खड़ा होता है तो वो कैसे लगने देता है, एक मैं चाहता हूँ मैं आमिर मतीन की हाजिरी लगा रहा हूँ, वो जो रजिस्टर पर बंदा खड़ा वो कैसे मुझे लगाने दे रहा है, स्टाफ है MNA है उसकी क्या जरूरत है कि उसको रोके या वो कस्टोडियन ऑफ द हाउस नहीं रोक रहा तो नीचे स्टाफ की क्या जरूरत है। आमिर साहब मैं लास्टली मैं कहूँ आज नवाज शरीफ साहब पे अभी आपने बात करनी है कि मसूफ वहाँ पे वो उनको उनको गजनी का उनको वहाँ फिर आज अटैक हुआ था, कहना ये है कि जिस कौम का MNA और इसमें से नाम अगर हम निकालें तो कुछ वजीर भी निकलेंगे शायद,
कोई अगर इस कौम का MNA 5,000 रुपए भी माफ करने को तैयार नहीं है, वो भी फ्रॉड करके जाली सिग्नेचर करके, वो कहते हैं 5,000 रुपए भी मेरे घर आना चाहिए अकाउंट में, उसके बाद जनाब उस कौम मुल्क और उसके वोटर और उसकी लीडरशिप पे जनाब मेरा ख्याल फातिहा पढ़ लेनी चाहिए। इससे बड़ा शेमफुल बात आमिर साहब नहीं हो सकती जो आज हम सामने लाए। ठीक है, गजनी सिंड्रोम की अच्छी बात की आपने क्लासा साहब, अब किस्मत बदलने वालों की भी बात की। कल तक तो हम ये कह रहे थे कि हसन हुसैन के मामलात से वो बेखबर निकले, मगर नवाज साहब ने यह भी कह दिया है कि मेरे इल्म में नहीं है। 2006 से पहले मरियम साहबा मिनरवा सर्विसेज के साथ किसी रबते में थी, वो तो बेटे के मामला से भी ला इल्म है। वो बेटी, बेटे, वालिद साहब सभी से वो लायल में, मगर ये जो क्लासेस साहब ने पॉइंट आउट किया है कि ये जो एक इखलाकी मसला है बहुत बड़ा, फाइनेंशियल भी है, फाइनेंशियल स्कैंडल भी है, लिए उन्होंने, मगर ये MNA जो इस तरह की हरकत करते हैं कि 5,000 रुपए के लिए जली लगा रहे हैं, और ये सिंबलाइज करते हैं पाकिस्तान की टॉप लीड, पोलिटिकल लीड है, इन्होंने लीड करना है, ये लीडर्स हैं पाकिस्तान के। तो वो कहते हैं ना जो कि रॉट स्टार्ट्स फ्रॉम द टॉप, तो ये ऊपर से नीचे भी आई हुई, कुछ नीचे से ऊपर गई है, ये बड़ा मुश्किल है कहना, मगर जिस मुल्क में क्लास साहब इट मेक सेंस, समझ आ जाती है इस तरह की हरकत जब लोग करते हैं कि इन सब का जो लीडर मेजॉरिटी का गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है बंदे इकट्ठे करना, और ये इस चीज़ का निज़ाम को भी सही रखना गवर्नमेंट की, बहरहाल इसके अंदर जिम्मेदारी आ जाती है और स्पीकर की आ जाती है और वहाँ के स्टाफ की आ जाती है, मगर जिस मुल्क में रूलिंग पार्टी का ये हो कि वज़ीर आज़म ना अहल हो गया अदालतों से, उसके बाद भी पूरी पार्टी बज़िदा है कि जनाब ये उन्होंने पार्टी का हेड उसको रखा, फिर अदालत ने कहा जी आप पार्टी का हेड नहीं रख सकते, अभी वो लिखते हैं कायद लिखते हैं, और फिर वो हल्फनामा जो आजकल साइन करवा रहे हैं ना सारे टिकटें बांटते हुए, वो नीचे लिखते हैं कि आप 62-63 रुपये पूरे आते हैं, आप हल्फनामा इकरारनामा लिखें, बी, ये बी क्लॉज है, और फिर ए क्लॉज है कि आप नवाज शरीफ को कायद मानते हैं और उसके मुताबिक चलते हैं, आपके मेरे लिए कैंडिडेट्स के लिए जो टिकट मांग रहे हैं 62-63 पूरी है, और ऊपर जिसके लिए हल्फनामा नंबर 1 ले रहे हैं वो खुद 62-63 के अंदर नाहल करार हुआ है, कैसा लतीफ़ा है। अभी उसके बाद ये है कि नवाज शरीफ साहब का अभी जो आ रहा है कि हमें सारा 2 साल से चल रहा है घूम फिर के कि जनाब ये जायदादें हैं खुदा के लिए आप बता दें, और वो कल भी यही चल रहा था सिलसिला कि वो वालिद साहब क्योंकि फौत हो चुके हैं, बच्चे यहाँ पे नहीं हैं, बाकी किसी को कुछ याद नहीं है, वो एक मजगा खेज लेवल तक आज गया का साहब। फॉर एग्ज़ाम्पल उन्होंने साथ में ये कहा कि ठीक है मेरे बच्चे मफरूर हैं, हसन और हुसैन जो हैं कानूनी तौर पे वो इश्तिहारी मुलजिम हैं कि वो मुल्क से भागे हुए हैं, प्रोक्लेम डिफेंडर्स हैं, उन्होंने कहा जी ठीक है ये मेरे बेटे जो है ना वो इश्तिहारी मुलजिम हैं, मगर इस बात को आप मेरे खिलाफ नहीं इस्तेमाल कर सकते। ये उन्होंने कानूनी नुक्ता नवाज शरीफ साहब ने आज दिया, और हम कल भी बात कर रहे थे ये कि एक शर्म की बात है सूरी तौर पे, और ये रोज़ तकरीर करते हैं रोज़, क्या तुम मानते हो कि मुझे निकाला जा सकता है, क्या तुम मानते हो, लोगों से हाथ उठा उठा के कस्में करवा रहे होते हैं। इनको ये कहना चाहिए था कि जनाब मैं जिम्मेदार हूँ अपने बेटों का, मैं 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहा हूँ, 35 साल से इस मुल्क के अंदर सियासत कर रहा हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, हालांकि वो फॉरनर्स हैं, हालांकि वो ये प्ली ले सकते हैं, मैं उनको ला रहा हूँ कि आके बताएं कि 17-18 साल की उम्र में आपके पास इतने अरबों रुपया कैसे आया। वो कह रहे हैं नहीं नहीं उनको नहीं आप पूछ सकते, वो बिल्कुल वो उनको निकाल के बाहर कानूनी सहारे लिए हुए हैं, कानूनी सहारे ले रहे हैं, और जब वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में जब पूछा गया कि बताएं, उन्होंने कहा जी आप सुप्रीम कोर्ट हैं आप तो पूछें, जिसके ट्रायल कोर्ट में पूछें, JIT ने बताया ट्रायल कोर्ट हो रहा है यहाँ पूछें, तो घूम फिर के नहीं है। मगर एक बात क्लियरली है कि वहाँ पे असम्बली के अंदर तो नहीं है, यहाँ जो आना पड़ रहा है ना, मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब ने अपनी इज फाइनली लूजिंग इज नर्व्स, ये जो आजकल उनके साथ जो हाल है ना कि कल भी 4 घंटे बिजली के बगैर वो बैठे थे, वो तस्वीरें तो वो लोग कह रहे हैं कि वहाँ की नहीं है, वो पसीने छूटे हुए, मगर लोग जो वहाँ पे बैठे हुए थे उन्होंने कहा उनका बड़ा बुरा हाल है। आज भी 4 घंटे उनको खुद करना पड़ा, यहाँ तक कि वो फिर उन्होंने वकील को आगे कर दिया ख्वाजा साहब को। ठीक है, अंदर की कार्रवाई, अंदर की कार्रवाई बड़ी मजेदार है कि फॉल ऑफ द माइटीएस्ट। ठीक है, चलिए जरा ब्रेक से वापस आएंगे तो यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर पाकिस्तान का FBR और पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान के अंदर मौजूद सिगरेट माफिया के सामने इस कदर बेबस क्यों है। तफसील से बात करेंगे हमारे साथ। के
बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे नवाज शरीफ साहब से मुतालिक और कोर्ट के अंदर की। मैं ये कह रहा था कि नज़र आ रहा है कि नवाज शरीफ साहब की जो है ना नर्व्स अब वो कमज़ोर पड़ती जा रही हैं। आज वो जितना टाइम चार चार घंटे यहाँ बैठ रहे हैं, गर्मी के अंदर बैठ रहे हैं, ही इज़ नॉट यूज टू दिस काइंड ऑफ ग्रिलिंग। उन्होंने तो ये वो हैं जो कि एक शहजादों की तरह एक पार्ट टाइम प्राइम मिनिस्टरशिप की 300 दिन की छुट्टियां हैं, ना कभी कैबिनेट में गए, ना असेंबली में गए, ना सेनेट में गए, एकदम से चार चार घंटे वकीलों के आगे खड़े रहना। और ये तो 342 का बयान होता है, इसमें आपको खुद 128 सवाल जो पूछे गए थे जवाब देना होता है। तो वो थक गए, उन्होंने वकील साहब को लगा दिया आगे। तो वो उन्होंने कहा मेरा गला दुख गया, मुझे पानी मेरा प्रॉब्लम हो जाता है बोलते बोलते, मैं नहीं बोल सकता इतना। हालांकि वो चिश्तियां चले जाएं, नारे उड़वा लें, मुझे क्यों निकाला के अंदर जो है ना वो उस फाड़ के गला पूरा, वो 128 क्या वो 428 मिनट वो जो है ना मुझे क्यों निकाला की तकरार करवा लें, उस वक्त गला नहीं बैठता। जब वहाँ अदालत में आके ये बताना हो कि ये फ्लैट्स कहाँ से लिए, तो उनका ना 10 मिनट में गला बैठ जाता, वो कहते हैं वकील साहब आके 10 मिनट। और उनकी याददाश्त भी चली जाती है, याददाश्त ऐसी चली गई क्लास साहब के 128 सवाल में से 123 वो पूछ चुके हैं, वो एक सवाल का एक जवाब है सिर्फ कि जनाब ये हैं वो रसीदें, मेरे बच्चे के पास थी, मैंने उसको बुला के कान से पकड़ा के बताओ किधर है, और वो कह रहे हैं कि यानी 123 सवाल हो गए, सवाल सिर्फ एक है, एक मिनट में जवाब आ जाता है कि जनाब ये पकड़ें, ये हैं वो रसीदें जो कि असेंबली में कहा गया था, ये असली रसीद है, इसको चेक करा लें, बात खत्म हो जाती है, 123 की जरूरत ही नहीं थी। मगर ना वो 123 की बजाय 128 क्या 528 हो गए जवाब, ना पहले दिया गया ना अब दिया गया। मगर प्रॉब्लम क्या है, बाहर असेंबली में जब से बाहर अदालत में जलसे में जब जाते हैं, वहाँ लोगों हाथ उठाओ हाथ बिठाओ वो वाला सिलसिला चलता रहता है, और वो क्या अखलाकी बात उसमें करें। मैं तो वो शर्म मेरी 30 साल हो गए इस असेंबली के साथ, हम जो भी कह रहे हैं हम उन पर तनकीद ज़रूर करते हैं, मगर हमारा दिल है कि पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होनी चाहिए, इनकी दुरुस्तगी ली करते हैं। मगर ये 10 साल में इन्होंने हमें जो शर्मिंदा करवाया ये दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ ने, जो हुक्मरान पार्टीज थी, कि उसकी इंतहा ये है कि 5000 रुपये के लिए वो जाली हाजिरियाँ लगा रहे हैं, 5000 रुपये के लिए 5-5 करोड़ रुपए की गाड़ियां चलाते हैं। मैं तो वो शौक से नहीं निकला हूं कि ये भी पॉसिबल है कि ये पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस हैं, और ये इशू नहीं है, ये इशू नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। और अब आपको आवाम के कीमे के नाम पे इतराज़ नहीं होना चाहिए आमिर साहब। आमिर साहब मैं बड़ी अभी पीपल आर शॉक्ड, मैं ये ब्रेक में बहुत सारे मुझे मैसेजेस भी आ रहे हैं, लोगों को यकीन नहीं आ रहा कि वाकई पाकिस्तान का MNA जो है उसकी कीमत 5000 रुपए है। अब मजे की दो चार चीज़ें, अभी मुझे उनका सेनेटर दोस्त है हमारे अनवर बेग साहब, उनका मैसेज है, वो भी सेनेटर रहे हैं 6 साल तक, उन्होंने कहा हजूर आप समझ नहीं रहे कि रजिस्टर्ड जहाँ पर हाजिरी लगती है वो भी हाजिरी लगाते रहे हैं साहब दर 6 साल, वो भी सेनेट आते जाते हैं। कहते हैं ये रजिस्टर जहाँ पड़ा होता है बाकायदा कौमी असम्बली का, वहाँ स्टाफ बैठा होता है, किसी बंदे की ड्यूटी होती है कि पहचान है यहाँ यामर मतीन साहब हैं, अगर वो नहीं पहचानता उनसे तारुफ कराए, उनका कार्ड देखे, फिर उनको हाजिरी लगाने दें, ये ऐसे नहीं होता। उन्होंने जनाब कि जब तक इसमें उसका कौमी असम्बली का सेक्रेटरी मुलविस नहीं होता ये फ्रॉड नहीं हो सकते। कौमी असम्बली का जो भी सेक्रेटरी आता है वो इनको खुश करने के लिए MNA को, कि ताकि मैं अपनी सीट पे पक्का बैठ रहा हूँ, अगर मैंने किसी के 5000 रुपए मैंने रुकवा लिए तो वो जाके मेरी स्पीकर को शिकायत करेगा, इसमें स्पीकर मुलव्वस होगा, स्पीकर हम तो कहेंगे स्पीकर होगा। क्लास साहब एक और तरीका भी ये है कि मैं MNA हूँ, मैं जो है साथ में किसी और की भी हाजिरी डाल दूँ, वो भी लिखूँ जाली करूँ, तो वो पॉसिबल है। अगर स्टाफ दे लुकिंग दी अदर वे सब पॉसिबल है। आज तो हमने ये पकड़ ले, 5 साल से प्रैक्टिस जा रही है, उससे पहले की प्रैक्टिस इसकी हो रही है कि मुमकिन ही नहीं है सेक्रेटरी कौमी असम्बली के होते हुए ये कैसे चीजें हो सकती हैं। उनको तो अब तक आके इस पे इंक्वायरी हेल्ड कर लेनी चाहिए थी और अपने बंदे को पकड़ लेना चाहिए था जहां पे बैठो रजिस्टर, बेचारा लो जैसे आपने कहा स्टाफ होता है, उनकी क्या जरूरत है किसी MNA को पकड़ सके या उसको आके रोक सके, ये तो सेक्रेटरी उसको कहे ना। अच्छा सेक्रेटरी को ऊपर पता है कि ना मैंने इनको रोकने की कोशिश की तो स्पीकर कौमी असेंबली बैठे हैं वो मेरा ट्रांसफर कर देंगे। हर कोई अपनी सीट बचाने के लिए 5-5 हजार रुपए इनकी जेबों में हराम का पैसा जो है वो आप उनको भेज रहे हैं। एक इसने बड़ी मुझे अच्छी बात की, उन्होंने पूरे मुल्क में तो आपने बायोमेट्रिक शुरू किया हुआ है, अपने आपने स्टाफ के लिए तो बायोमेट्रिक लगाए गए, आए जी अंगूठे लगाए, आए ठप्पे लगाए। 5 साल से हमारे यहाँ लड़ाई धांधली की होती रही कि जनाब वोट गलत डालता रहा, शिनाख्त नहीं, हर एक की शिनाख्त हो रही है, पार्लियामान की शिनाख्त नहीं हो रही। आप लोगों ने ये कानून बनाए हैं, आप लोग यहाँ पे बैठ के चीजें कर रहे हैं, आपने यहाँ बायोमेट्रिक क्यों नहीं लगाया जनाब, इसी ने नहीं लगाया, इन्होंने नहीं लगने दिया आपके MNAs ने, सेक्रेटरी कौमी असेंबली ने या स्पीकर कौमी असेंबली ने, कि मेरे MNAs बेचारे 5-5 हजार रुपए का रोजाना का एक दिहाड़ी लगा रहे हैं, ये दिहाड़ी है ये जुगाड़ लग रही है, क्या पड़ता है जेब से, अपना इनका मुलाजिम सर, अपना इनका ड्राइवर, इनके घर का मुलाजिम कुक खानसामा या कोई
वो सौदे में से ना 10 रुपए की भी टुक्की लगा लेना, ये मैंने उनको उल्टा लटका के उनको मारेंगे। ऐसे ऐसे जालिम है बिल्कुल। और क्लास साहब ये वीडियो मौजूद है, दीज पीपल शुड बी नेम्ड एंड शेम्ड। ये हानि चाहिए, ये इस पे कल पार्लियामेंट में तरीके इंसाफ वाले भी अगर इसमें शामिल हैं, अगर इनमें है ये समझते हैं हम रियल अपोजिशन है या पीपल्स पार्टी में, अगर किसी दो चार का कुछ जमीर बच गया, कल इनको हाउस में रोला डालना चाहिए कि उन MNAs के नाम सामने लाने चाहिए जिन्होंने पूरे हाउस को डिफेम किया है। भाई उसमें आपके 70-75 लोग तो मौजूद थे, उन बेचारों को तो कोई कसूर नहीं है। अब उनके बारे में डाउट्स क्रिएट होंगे कि जनाब आप थे या नहीं थे, वो सफाया देते फिरे। जो कल 70-75 लोग मौजूद थे हाउस में जिनकी जेन्युइन हाजिरी है, जो हाउस में शिरकत करने के लिए MNAs आए हैं खवातीनों मर्द, कल उनको खड़ा होकर रोला डालना चाहिए स्पीकर के साथ भी और असेंबली के सेक्रेटरी के साथ भी, सबके खिलाफ तहकीकात करवानी चाहिए, इनके नाम आने चाहिए, वीडियो कैमरे लगे हुए हैं, एक एक को आइडेंटिफाई करें कि किसने आए हैं, कौन हाजिरी लगा है। एक बात, दूसरी बात है, अगर 115 लोग निकल आते, मान लेते हैं एक आर्गुमेंट सेक के लिए कि वाकई 115 लोग आए थे, मौजूद थे, इवन देन उन्होंने बड़ा फ्रॉड किया है कि आए हैं हाजिरी लगाई है, लगाने के बाद उठ के चले गए, आके चले गए कि हाउस में नहीं बैठे, ये और फ्रॉड है। इसका मतलब है वो भी सिर्फ 5,000 रुपए की हाजिरी के लिए आए थे, अगर 115 पूरे भी थे। एक आम काम आमिर साहब, ये तो एक छोटी वारदात थी, एक और आपको वारदात सुनाऊं। ये आपको याद होगा 2013 में एक मैंने स्कैंडल ब्रेक किया था, अगेन शेम, मतलब एक बिग शेम। वो शेम क्या था कि यहाँ पे सेनेटर्स और MNAs हैं, गिलानी साहब का दौर था, बादशाह सलामत थे, गिलानी साहब दिल उनका बड़ा था, कौन से जेब से किसी को उन्होंने चाय पिलानी थी या किसी को जेब से देने थे। उन्होंने कहा जनाब के MNAs को दे दो, खोल दो जी खजाने का मुँह खोल दो, बादशाह सलामत ने ऑर्डर किए। एक एक को तरक्याती फंड के नाम पर, किसी को 1 करोड़, किसी को 5, किसी को 10 करोड़ बांट दिए उन्होंने। सही, कुछ अरसे बाद सर मेरे हाथ डॉक्यूमेंट्स लग गए हमें साहब, और स्टोरी सुने जरा। डॉक्यूमेंट्स में क्या था, बहुत सारे सेनेटर्स और MNAs ने अपने जो फंड्स थे तरक्याती, उन्होंने लक्की मरवत और पिशावर में बेचे ठेकेदारों को। या आपको याद आ जाएगा स्कैंडल बड़ा था जिसपे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने, मेरे स्कैंडल के बाद उन्होंने बकायदा सुआ मोटो भी लिया था चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और मुझे भी पेश होना पड़ गया था सुप्रीम कोर्ट में। जनाब पता ये चला, मैंने कहा ये कैसे हो रहा है। उन्होंने कहा जनाब हर सेनेटर ने जिन्होंने बेचे, सब ने नहीं बेचे थे, कुछ ने जो थे उसमें बड़े ऑनरेबल नाम थे, उन्होंने कहा जनाब लक्की मरवत में पानी नहीं है, सुने पानी से लोग प्यासे मर रहे हैं, हम वाटर स्कीम दे रहे हैं। 1 करोड़ रुपए की वाटर स्कीम दी गई, 1 करोड़ रुपए पे 20 लाख रुपया नक दे के एक सेनेटर ने लिया, MNAs ने लिया 1 करोड़ रुपए 20 लाख, ये रेट चल रहा था आपका। और उसके बदले में उन्होंने क्या कहा, जब आप कैसे पैसे कमाएंगे वाटर स्कीम से, उन्होंने कहा हजूर आप फिक्र ना करें, एक हमने ट्यूबवेल लगाना है वो 5 लाख रुपए में लग जाता है, तो ट्यूबवेल लगा देंगे वाटर स्कीम हो जाएगी, शो किया जाएगा 1 करोड़ रुपया। उसमें आपके वहाँ के महकमे लोकल मिले हुए थे, PWD के वगैरह, वक्स डिपार्टमेंट सारे मिले हुए थे। एक सेनेटर ने एक ने जनाब उसमें मैंने सिंध के पड़े, ये TV पे मैं देखता हूँ, मैं नाम लूँ लोग यकीन ना करें जो सिंध के हकूक का मुकदमा लड़ते हैं, उन्होंने बेचे अपने वहाँ पे थर के जो पैसे थे, थर की एक खतून MNA जो थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने अपने बेचे थर के, आपके सिंध हैदराबाद से बड़े सेनेटर थे उन्होंने अपने बेचे, पंजाब से थे इन्होंने बेचे, रीजन क्या थी कि 20 लाख। एक चकवाल के MNA थी ये खवातीन की रिजर्व सीट पे, उसने सबसे ज़्यादा गिलानी साहब ने उनको ज़्यादा फंड दिया जनाब कि आप बड़े अच्छे इंसान हैं आप लें 5 करोड़ से 10 करोड़, उन्होंने सारे लक्की मरवत में दिए, उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये वहाँ से कमा लिया। मैंने उनको फ़ोन किया, मैं के उनसे कहा कि मैम ये आपने सारा फंड चकवाल से, आप हैं चकवाल, आपका तल्लुक है, वो भी बेचारा चकवालियों का भी यहाँ पे उनका हक है कि ये फंड वहाँ लगे। उनका जवाब सुने, उन्होंने कहा रऊफ साहब वो मेरे जो वो फोर फादर से वो लक्की मरवत से आए थे, तो मैंने उनको इसलिए 10 करोड़ रुपए वहाँ पे दे दिए। मैं शुक्र करें अफगानिस्तान से नहीं आए थे, आप ये भी कह सकते हैं कि मेरे अफगानिस्तान से आए थे। आमिर साहब जिस मुल्क में ये फ्रॉड हो रहे हों, यहाँ पर लूटमार मची हुई है, और जिसमें 5,000 रुपए के लिए भी MNA आपको इस मुल्क और कौम को सप्लाई नहीं कर रहा। तो जब अब्दुल करवा दूं, एक इसकी लीगल इम्प्लीकेशंस भी बड़ी हैं, वो ये है कि खुदा ना खास्ता किसी MNA का एक्सीडेंट हो जाए या कुछ और वारदात किसी जगह हो, ये अलिबाई है कि जनाब मैं तो हाउस में बैठा हुआ था, कत्ल करके आ जाए लोगों को कत्ल करके बाहर, या कुछ भी हो जाए बाहर, या इनकी इंश्योरेंस कल को क्लेम करनी पड़ जाए या कुछ हो जाए खुदा ना खास्ता, तो ये सबसे बड़ा सबूत है कि जनाब उस वक्त ये पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए थे, हाजिरी तो वहां लगी हुई है। तो सेक्रेटरी साहब से मेरी उनसे है कि आप इस क्राइम में पार्टनर हैं, स्पीकर कौमी असेंबली साहब इस पर वो ये नहीं कह सकते मेरे इल्म में नहीं है, यू आर द कस्टोडियन ऑफ हाउस, कल को कत्ल करके या है MNAs आपके कत्ल करके हाजिरें लगवा लें,
वो वहाँ पे किसी और जगह प्रेजेंस अपनी वहाँ पे रखें, आके शो यहाँ पे करें, कल को किसी खुदा ना खासा हादसे में उनको मसले हो जाए, किसी को मसला हो जाए, तो ये नहीं कह सकता कि जनाब यहाँ पे मरा हुआ कह जी, ये तो असेंबली के अंदर मौजूद था। तो ये आप मेरे साहब आपका लेवल है और ये आपकी आपके मुल्क की लीडरशिप है। वोट को इज्जत दी है जी, कल बड़ी वोट को इज्जत दी गई 5,000 रुपए के लिए, बात करें उस मुल्क में और भी बड़े मसाइल है, और भी बड़ा रोना है। सिगरेट माफिया को जो यहाँ पर छूट दी गई उसमें कौन शामिल है, और सुने इमरान खान साहब के जी में लग गया एक काम कि इमरान खान साहब आपने कैंसर से लोगों को बचाने, आपका काम है पूरी दुनिया से चंदा मांगे, आपने पैसे मांगने, अपनी सेल्फ आपने रिस्पेक्ट पे कंप्रोमाइज करना है, आप हिंद सिंध अमेरिका यूरोप व ब्रिटेन पाकिस्तानियों से पैसे मांग मांग के आपने कैंसर के मरीजों को बचाने के लिए आपने हॉस्पिटल बनाया, आपकी काम है। हमारा काम क्या है सर, हमने जो बिग यहाँ पे बिजनेसेस हैं, कॉरपोरेट सेक्टर है, मल्टी मिलियनर या मल्टी आप कह सकते हैं ये कॉरपोरेशंस हैं, हमने उनके इंटरेस्ट को वाच करना है। जैसे हाउसिंग सोसाइटीज ने काम किया था, मलिक रियाज साहब ने किया, उसके बाद आपको याद होगा वो सेनेटर वकार ने किया, उन्होंने एक नया मॉडल दिया। उन्होंने मॉडल क्या दिया, उन्होंने कहा जनाब के बड़े बड़े जर्नलों को नौकरी पर रखो, जो आर्मी से रिटायर होता है एक अदर जर्नल आपके पास होना चाहिए। उन मलिक रियाज के पास बैरिया टाउन में तो फौज पूरी की पूरी रिटायरमेंट को उन्होंने अपने पास अपनी ब्रिगेड अलहदा बरती कर ली, ये मेरे ग्लेडिएटर्स हैं, कोई इधर किसी ने रोक किया हम उसकी जान हम उसकी ले लेंगे। एक आईएसआई का जनरल और एक आईएसपीआर का जनरल वो बैग उठा के चलते हैं, फेमस तस्वीर है उनकी, अल्लाह का फजल सन। उसके बाद वहां से मुतासर हुआ सेनेटर वकार, उन्होंने पाक अरब जो आपकी लाहौर में ये हाउसिंग सोसाइटी है उसकी उसकी इसके सेनेटर वकार की और अमार की, और वकार पे बड़े सारे स्कैंडल थे, इस पे बड़ी एफआईआर थी। उन्होंने कहा जनाब हम आपसे बड़ा हाथ मारेंगे, उन्होंने क्या हाथ मारा, उन्होंने जनाब डीजीआईएसआई सबक जनरल शुजा पाशा साहब को मुलाजम रखा, मुलाजमत पर। अब किसकी जरूरत है कि जनाब हाउसिंग सोसाइटी में जहां जनरल पाशा साहब फोन करेंगे, जो जहां पे इस मुल्क पे आल इन आल रहे हो सबक डीजीआईएस, किसी में जरूरत है? उन्होंने कहा भाई साहब आपको 5-10 लाख रुपया देंगे, आप तो ये साइड संभालें। अब पाकिस्तान टोबैको ने यह काम किया, अब ये कल्चर फैल रहा है पाकिस्तान में कि हमारे पास एक अदर जर्नल होना चाहिए, साथ में एक बिग फाइनेंशियल एक विजिट भी होना चाहिए। उन्होंने क्या किया जनाब, उन्होंने अली कुली खान साहब, अली कुली खान साहब की मेरे दिल में बड़ी इज्जत है, मैं तो उनको देख के उस बोर्ड में थोड़ा सा मैं डिस्टर्ब भी हूँ, बिकॉज इज ए प्रोफेशनल सोल्जर, बड़ी इज्जत है। उनके वाले साहब जनरल हबीब खान का बड़ा आपको पता है, जनरल अयूब ये हबीबुल्ला खट्टा का जनरल उनके अयूब के दौर में बड़ा रोल है, खुद वेरी ऑनरेबल एक ऑफिसर, उनको पाकिस्तान टोबैको ने अपने बोर्ड में ले लिया, चलो जी कोई हर्ज नहीं है, मान लेते हैं जी के होता होगा। साथ में उन्होंने जनाब ले लिया मुइन अफजल साहब को, ये सेक्रेटरी जनरल थे, ये विजिट्स हैं आपके पाकिस्तान के, उनको भी ले लिया, चलो आपने जो मुइन अफजल साहब बहुत बड़े ब्यूरोक्रेट हैं माशाल्लाह, उनको और इज्जत दे वो काम करें। अब वो इनके लिए क्या काम कर रहे हैं, बोर्ड के जरा मेंबरों को देखें, यहाँ पे आपका सेक्रेटरी हेल्थ जो है वो ये लिखता है कि खुदा का खौफ करें, और ये जो आप यहाँ पे हेल्थ पे हैं आप, उन्होंने कहा कि आप इसको सिगरेट को 46 रुपये महंगा करें, हमारी यूथ में सिगरेट फैल रही है, हमारा नशा फैल रहा है, हमारी नौजवान नस्ल तबाह हो रही है, इसको करें। उन्होंने कहा नहीं 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 हम नहीं होने देंगे, क्योंकि जनरल अली कुली साहब बोर्ड पे बैठे हैं, क्योंकि मुइन अफजल बैठा हुआ है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के, वो चीफ रहे हैं, सारे उनके जूनियर जो हैं आजकल बड़े ओहदों पर बैठे हुए हैं जनाब। अब इन्होंने वो टैक्सेस जो हेल्थ सेक्रेटरी कह रहे हैं कि फॉर गॉड सेक आप टैक्स लगाएं ताकि नौजवान नस्ल मत जाए और रेवेन्यू भी इकट्ठा हो सकता है, एक डिस्करेज करेंगे सिगरेट पीने को, कैंसर के केसेस नहीं होंगे और बला बला दीगर बीमारियां होती हैं। दूसरी तरफ ये है कि आप रेवेन्यू इकट्ठा कर लेंगे जनाब, उन्होंने बिग गन्स रखे हुए हैं जो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने, इसने मुफ्ता इस्माइल जो मुफ्ता जिसका लगा हुआ है वो जो बैठे हुए हैं, उन्होंने कहा जनाब कि नहीं ये तो नहीं हो सकता, इन्होंने आपकी दफा बिल जो फाइनेंस बिल में इन्होंने सिगरेट पे टैक्सेस खत्म किए। जब सेक्रेटरी हेल्थ आपको लिख के दे रहा है एफबीआर को वो फाइनेंस मिनिस्ट्री को कि टैक्सेस बढ़ाएं और आपको 46 रुपये आपको सिगरेट का रेट बढ़ाना चाहिए रेवेन्यू का, उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि पीछे बैठे हुए जनरल अली कुली खान साहब बैठे हुए हैं, उसके पीछे बैठे हुए जनाब मुइन अफजल साहब बैठे हैं जो उनके बोर्ड पर बैठे हैं पाकिस्तान टोबैको के, उसका क्या है उनके पास एतराज है, वो कहते हैं हमारे पास रेवेन्यू आ रहा है और ये सिगरेट बिक रहे हैं। रेवेन्यू जो आ रहा है आप जितनी उसके हेल्थ हैजर्ड्स हो रहे हैं लोगों की जानों पे, आपने क्या रियासत का काम सिर्फ टैक्स इकट्ठे करने, लाशों पे टैक्स आपने इकट्ठे करने, आपने नहीं देखना सिगरेट की वजह से कितने इंसानी जाने वहाँ खतरे में, हाँ जिसने पीने अपनी जान को खतरे में डाले जरा महंगा ले ना, अगर अपनी जान उसने लेनी भी है किसी उसके बीमारी की महंगा ले, जरा पेमेंट करे रियासत को। ये सुने अब अगले साथ में क्या कहें, एक तरफ इन्होंने यहां पे टैक्स खत्म किए हैं, दूसरी तरफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जहां टैक्स आपको याद होगा उन्होंने केस टेकअप किया था, उसमें उन्होंने कहा था जनाब आप ये टेलीफोन कार्ड पे कितना टैक्स ले रहे हैं, कहते हैं 40 रुपये ले रहे हैं 100 रुपये पे, उन्होंने कहा जनाब इसको कम करें। इन्होंने जस्टिफाई करने के लिए एफबीआर ने जरा इनकी आप काम देखें, जो जकूटा जिन इस मुल्क में बैठे सिगरेट पे टैक्स खत्म, विकास के पावरफुल गन्स बैठे हैं लॉबीज बैठी हैं पीछे, लेकिन मोबाइल टैक्स पे उन्होंने कहा नो 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 नो, हमने अगर मोबाइल टैक्स काम किया तो पाकिस्तान का रेवेन्यू खत्म हो जाएगा, वहां पे 40 रुपये सिगरेट पे इन्होंने खत्म कर दिए, वो नहीं बढ़ाए।
यहाँ पे वो उन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपना उन्होंने डेटा वहाँ पे दिया है कि हम कितना कितना टैक्स लेते हैं। वो ये फरमाते हैं, एफबीआर ने कहा है कि मोबाइल कंपनियाँ जितनी भी सार्फीन को लूट रही हैं ये जस्टिफाइड हैं, ये टैक्स ले रही हैं, टैक्स इकट्ठा करके ये हमें दे रही हैं। और इन्होंने 2016-17 में मोबाइल सार्फोन से 51 बिलियन रुपीज़ का आमिर साहब टैक्स लिया है, कार्ड्स पे 51 अरब रुपया एक साल में। और फिर कहते हैं हमारे मुंह पे मल भी देते हैं ज़रा ये उसके साथ ये उसके ब्रश के साथ कि जनाब आप टैक्स नहीं दे रहे। 51 बिलियन रुपीज़ टेलीफोन का इन्होंने वहाँ से लिया है। और ये फरमाती हैं अच्छा 10% सर्विसेज चार्जेस जो हैं वो कंपनीज खुद ले रही हैं, ये टेलीफोन की कंपनी जो हुकूमत के पास नहीं जा रहा टैक्स वो भी हम दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें कर रहे हैं। हम सब कहने का मतलब ये था कि एफबीआर ने मुख्तसरन बता दूं, क्योंकि हमारे मोबाइल कार्ड एक आम आदमी इस्तेमाल करते हैं, मैं करता हूं दीगर, हमारी कोई लाभी नहीं है, हमारे पास कोई जनरल शुजा पाशा नहीं है, हमारे पास कोई जनरल अली कुली खान साहब नहीं है, हमारे पास मुइन अफजल नहीं है। मैं आवाम की बात कर रहा हूं, क्योंकि आवाम उनको पे नहीं करती, आवाम कोई लॉबिस्ट फर्म नहीं है हायर कर सकती, लिहाजा आवाम पे टैक्सेज लग रहे हैं कार्ड के, उसको एफबीआर जस्टिफाई कर रही है। लेकिन जिनकी लॉबियां हैं, जिनके पास मलिक रियाज के पास एक आर्मी के ऑफिसर हैं, उस वकार के पास हैं, पाकिस्तान टोबैको के पास हैं, उनको आप नहीं छेड़ सकते। हाउसिंग सेक्टर पे भी टैक्स नहीं लग सकता मेरे साहब, ये सिगरेट पे भी टैक्स नहीं लग सकता, क्योंकि सेनेटर वकार ने, मलिक रियाज ने, टोबैको वालों ने ना उन्होंने जर्नेल भी भर्ती किए हुए हैं और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी का गॉड फादर मुइन अफजल भी भर्ती कराया हुआ है। अवाम भी यही काम करे, जर्नेलों को अगर रख ले पेरोल पे या मुइन अफजल जैसे बंदे हायर कर ले तो जनाब आपका मोबाइल टैक्स भी खत्म हो सकता है। क्लास साहब आप जिस आवाम की बात कर रहे हैं, महकमा पीडब्ल्यूडी और सुई गैस के दरमियान चपकलिश की सजा किस तरह से आवाम को मिल रही है तो आपके साथ शेयर करेंगे, मगर इसके साथ साथ अमेरिका के अंदर वफात पा जाने वालों की मैयतें पाकिस्तान लाने के लिए किस कदर मुश्किल का सामना करना पड़ता है, ओवरसीज पाकिस्तानियों की मुश्किल से मुतल न्यूयॉर्क से अहम इंकशाफ आपके सामने रखेंगे। ब्रेक लेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि अमेरिका में विफात पाने वालों को मैयतें पाकिस्तान लाने के लिए किस कदर मुश्किलात का सामना, और वाकई पीआईए अंधेर नगरी चौपट राज की तस्वीर बन चुका है। क्लास साहब नुशमिया सुखेरा साहब भी हमारे साथ मौजूद है। एक आर्टिकल आया था 2 हफ्ते पहले, उसमें डिप्लोमेट में, और मेरा ख्याल बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तानियों के लिए भी है और एक बड़ी आप कह सकते हैं इनकी कंप्रिहेंसिव स्टोरी छपी थी, तो न्यूयॉर्क से हमने इनको टेलीफोन पे लिया हुआ है। तो मेरा ख्याल है इनसे पूछते हैं कि इनकी जो स्टोरी थी, पाकिस्तानी को क्या मसाइल वहाँ पे पेश आ रहे हैं जब से इन्होंने पीएए की इन्होंने मैयतें लाना बंद किए हैं, या पीएए इन्होंने रूट जो बंद किए हैं। जी प्लीज़ आप हमें बताएंगे जो आपने रिपोर्ट शाये की थी अपनी उसमें डिप्लोमेट में, उसमें क्या फेंटें गई थी जो पाकिस्तानी रहते हैं न्यूयॉर्क में या वहाँ पर ओवरऑल अमेरिका में, उनको पीएए के यहाँ क्लोज होने से उनको क्या क्या इश्यूज़ आ रहे हैं वहाँ पर। जी ये प्रॉब्लम एक्चुअली इनके लिए बहुत बड़ी हो चुकी है, क्योंकि पिछले 14 साल से दे वर यूज टू के पाकिस्तान की इंटरनेशनल एयरलाइन पाकिस्तान जो ओवरसीज पाकिस्तानी है उनकी बॉडी फ्री ऑफ कॉस्ट पाकिस्तान लेके जाती है। अपार्ट फ्रॉम बीइंग कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट था, ये सबसे तेजी से भी पाकिस्तान ये पहुंचाते हैं, क्योंकि न्यूयॉर्क टू लाहौर की फ्लाइट डायरेक्ट है। और सडन नवंबर में जब पीआईए बंद हुई तो अब जो लो इनकम पाकिस्तानी है उनके पास पाकिस्तान आने का कोई तरीका ही नहीं है उनको अपने लव्ड वंस की बॉडीज लाने का, क्योंकि यहाँ पे अब जो कतर एयरवेज, इतिहाद एयरवेज, टर्किश एयरवेज जो पाकिस्तान आती है ये सारी अपनी बेस पे रुकती है। उसके अलावा दे आर ऑल्सो 11 डॉलर पर पाउंड, तो यहाँ पे जो आपके ओवरसीज पाकिस्तानी जो लो इनकम है जो यहाँ पे स्टोर चलाते हैं या टैक्सी चलाते हैं वो एकदम से अगर उनकी फैमिली में कोई डेथ होती है वो एकदम से 2-3 हजार डॉलर तो सेविंग होती नहीं है कि ये कर सके। मेरी इस हवाले से कॉन्सुलेट में बात हुई थी, वो कहते हैं कि जो बहुत गरीब डेस्टिट्यूट लोग उनके पास आएंगे तो उनका वो पे करेंगे उनकी बॉडीज भेजने का, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअली एक्टिविस्ट हैं और कम्युनिटी मेंबर्स जो काम करते रहे हैं, जो जिन्होंने कॉन्सुलेट से रिक्वेस्ट किए थी बॉडीज भिजवाने की, उन्होंने कहा कि जी कॉन्सुलेट में टाइम इतना ज्यादा लगता है क्योंकि उन्होंने ये
प्रूव करना होता है कि जिसकी बॉडी भेजनी है वो एक्चुअली बहुत ज्यादा पॉवर्टी स्ट्रिकन है. और अक्सर ओवरसीज जो लो इनकम इमिग्रेंट है वो पॉवर्टी स्ट्रिकन बेशक ना हो, जो कैब ड्राइवर है जिसकी दिन की दिहाड़ी है, जो कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी तो ठीक गुजार रहे हैं, लेकिन एकदम से इतने पैसे नहीं होते कि $4,000 $3,000 बॉडी रिपैट्रिएशन के लिए एकदम से भेज सकें. तो अब जो पाकिस्तानी यहाँ रह रहे हैं उनके पास ना इतने पैसे हैं कि वो न्यूयॉर्क में दफन हो चुके हैं और ना वो पाकिस्तान आ सकते हैं. बहुत शुक्रिया आपका, बड़े डिटेल से आपने हमें हमें इसकी तफसील दी. हम इसको फॉलो करते रहेंगे, आप भी इस पर कोई बड़ा अच्छा आर्टिकल था इनका. और तदफीन और ये जो बात के मसाइल होते हैं दुनिया भर के कल्चर में कि लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं और रियासतें होती हैं, एम्बसीज होती इसलिए हैं कि इन चीज़ों को फैसिलिटेट करें. और हमारे यहाँ तो मशरकी रवायात का हम चर्चा बड़ा करते हैं, खासतौर पर होना चाहिए. आई होप कि इनके उस आर्टिकल के बाद वेरी वेल रिटन आर्टिकल किसी ना किसी को किसी ना किसी जगह शर्म आई होगी कि इसका कुछ सलूशन निकालें. ठीक है. अच्छा आमिर साहब, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है नून लीग रहनुमाओं की जानिब से, उन्होंने तो इमरान खान को नेटो कमांडर के लकब से भी नवाज दिया है और मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा कि किस तरह से अमली जामा पहनाया जाएगा एजेंडे को अपने. जी वो मैं देख रहा था आज सारी कैबिनेट जो है ना पूरी जो नून लीग की थी वो 100 दिन का जो पीटीआई का वो एजेंडा आया प्लान आया उसके ऊपर वो अटैक उन्होंने किया हुआ था. पर मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात यह है कि बहस इस पे हो रही है, ये इश्यूज हैं पाकिस्तान के, तो कम से कम पीटीआई ने ये 100 दिन का अपना प्लान दे के जनाब ये करने हैं, इश्यूज पे बहस ले आई हैं, बजाय इसके कि नवाज शरीफ साहब जलसों में जाके कहें कि जी वो मैंने दूध और शहद की नहरें चला दी हैं. वो शहबाज शरीफ का सुने ले वो कह रहे हैं जी लाहौर पेरिस बन गया है और पंजाब पता नहीं स्विट्जरलैंड बन गया है. वो सिंध वाले कह रहे हैं तो जनाब आके सिंध में देखें, हालांकि वहाँ पे जाएं तो लोगों का जो हाल नज़र आता है, मगर उनका क्लेम सुन ले तो वो कहते हैं जनाब हमारा भी जन्नत हमारे पास भी है और पेशावर वाले भी क्लेम करते हैं. मगर कम से कम इशू पे बात हो रही है, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात हो रही है, तो हमारे हम तो कोशिश करते हैं इशूज़ पे ला रहे हैं क्योंकि कुछ बाकी हजरात भी इस पर फोकस जरूर है. पहले तो ये बचिया. दूसरा मैं एट द आउटसेट कहना चाहूँगा, आज मैं एहसन इकबाल साहब का सुन रहा था, उन्होंने कहा जी ये मेरा 2025 का था विजन, मेरा विजन चोरी कर लिया है. तो मैं ये हंस रहा था कि ये एहसन इकबाल साहब जब आए थे प्लानिंग के अंदर तो इन्होंने इनसे पहले वो जो इनके प्रीडिसेसर थे नदीम साहब नदीमुल हक साहब उनका जो 5 साल में मेहनत करके उन्होंने फ्रेमवर्क बनाया था इन्होंने कूड़े के डब्बे में डाल दिया. तो ये उम्मीद करते हैं कि इनका जो विजन है ना वो रखा जाएगा. मुझे लगता है इंशाल्लाह एक तो वो जैसा विजन बना हुआ है और जैसी इनकी परफॉर्मेंस रही है इसहाक डार साहब के होते हुए प्लानिंग के अंदर इनको बेचारों को तो दफ्तर के इर्द गिर्द ही आना मना था, अब सडनली एकदम आजकल उनमें बहुत ज़्यादा हमारी बड़ी हमदर्दियाँ हैं कि उन पर यह हमला वमला हुआ. पर वो मैं देखे एक नया उन्होंने एक पहले बड़े संजीदा किस्म के आदमी होते थे, अब वो जो है ना बिल्कुल तलाल चौधरी की लाइन में जा चुके हैं और बहुत एग्रेशन आ गया है. फैक्ट्स पे इतना नहीं है जितना के गुस्से के अंदर है. मैं एक सिर्फ आउटसेट पे ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इतना ज़्यादा पीटीआई के बिल्कुल हम खुद बताएंगे क्या क्या इनके प्लान में कमियाँ हैं, हम बिल्कुल पहले भी बता रहे हैं मज़ीद बताएंगे कि हमें वो डिटेल्स इसके अंदर नहीं मिल रही हैं, मगर एक चीज़ क्लियर है कि नून लीग ने पंजाब में 10 साल का हिसाब देना है और जो है 5 साल का हिसाब इस्लामाबाद में देना है और 35 साल पिछले में से 25 साल जो हुकूमत पे रहे हैं इन्होंने 35 साल का हिसाब देना है. इन्होंने उतना ये नहीं है कि ये वो इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी 35 साल का हिसाब देना है. तो उनको बेचारों को वो जो लतीफ़ है कि उतना ही हिसाब मांगा जाए जिनकी उनकी औकात है पीटीआई वालों की, उन्होंने सिर्फ 5 साल का खैबर पश्तूनख्वा का देना है, उनका मुकाबला नहीं है नून लीग के साथ, ये बराबरी का मैच नहीं है. और याद रहे कि पंजाब जो है सब कॉन्टिनेंट इंडस बेसिन सिविलाइजेशन जो है ये सदियों से जरखेज तरीन इलाका रहा है और ये अंग्रेज़ों के ज़माने में ये नंबर वन था. ये 1915 में कल की बात है, ये दिल्ली भी पंजाब का हिस्सा था. सो यहाँ डेवलपमेंट लेवल हमेशा ऊपर रहा, केपी हमेशा वो NWFP भी रिसेंटली बना और वो जो है वो बॉर्डर एरिया रहा. सो उनका हिस्टोरिकली डेवलपमेंट के वो लेवल्स नहीं थे. पंजाब इंडिया का पंजाब फॉर एग्जांपल 3% ऑफ इंडिया है, मगर वो महाराष्ट्र और वो उनकी जो पर कैपिटा इनकम है वो नेशनल से भी ज़्यादा है. इसी तरह हमारा पंजाब भी. ये नून लीग का कमाल है कि इन्होंने 35 साल में हमारे शहर गांव और पंजाब जो कि सदियों से एक बहुत जरखेज इलाका था उसका सत्यानाश कर दिया, उन्होंने वो हिसाब देना है. तो थोड़ी सी पैरिटी कर
लें बिफोर वी गो इनटू डिटेल्स कि किसने क्या प्लान दिया है। मगर बड़ी अच्छी बात है कि आप जो पहले आपने 100 दिन का नहीं नून लीग ने देना, इन्होंने पिछले हजारों दिनों का हिसाब पहले देना, फिर आगे 100 दिन की बात करनी है। तो आज मैं देख रहा था सारे एक एक अपना वो मुफ्ता इस्माइल साहब भी लेके आ गए हैं, मुफ्ता साहब। तो इस पे डिटेल मेरा कल आने वाले दिनों में करेंगे, अभी सिर्फ मैं ये बेसिक पॉइंट आपका व्यू भी ले लूं मैं क्लास साहब, लास्ट 1 मिनट होगा हमारे पास। व्यू इस पे आमिर साहब ने बड़ा तफसील से बड़े अच्छे तरीके से बात की, जैसे कहा ना ये इतने बड़े अहम इशूज हैं, क्योंकि अब ऐसा ऐसा सारा रुख जो है ना हमारे शोज का भी आने वाले दिनों में वो सियासत की तरफ ज्यादा चला जाएगा, असम्बलियां जूं ही टूटेंगी। तो ये सारे इशूज हम इनको एक एक करके टेकअप भी करेंगे, एनालाइज भी करेंगे इनके, और इन्होंने जो आवाम को इन्होंने आके वो मामू बनाने की एफर्ट्स कर रहे हैं वो भी करेंगे। जैसे कल आमिर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात पकड़ी थी जो हमने मिस की है कि इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम ये सूबों पे कमीशन बनाएंगे जो साउथ पंजाब नेशनल कंसेंसस कराएंगे जो कभी नहीं होगा, बैकट्रैक किया है वो उन्होंने किया है, जो मेरा ख्याल साउथ के लोगों को समझने की जरूरत है। हजूर जागदे रहना ते इमरान खान ते ना रहना, ये तो वही काम कर रहे हैं जो ये नवाज शरीफ साहब ने भी किया था, जो आपके सामने आके पीपल्स पार्टी ने भी किया था। उस कमीशन की बात अहम स्टोरी आज एक रह गई है जो हम कल करेंगे, वो सईद मेहती साहब को मैं जरूर उनको रिक्वेस्ट करूंगा, वो बोर्ड के मेरा ख्याल हेड भी है इसके सुई गैस के, जनाब यहाँ पे हम इसकी पूरी स्टोरी भी करेंगे कि खवातीन का वर्किंग वुमेन का हॉस्टल है फातिमा जिना, उसकी भी गैस कट गई है सर, आपके बाकी फेडरल लॉजेस हैं उनकी भी कट गई है, उन्होंने जो वहां के पार्ट्स वहां के अकोपेंट्स हैं उनसे बिल ले लिया पीडब्ल्यूडी ने, इसको तफसील से करें, उन्होंने दे दिए हैं आगे से पीडब्ल्यूडी हाउसिंग मिनिस्ट्री खा पी गई है, उनको वो पेमेंट नहीं की। तो सईद मेहती साहब से मेरी थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आज कल रमजान का महीना है, उन बेचारों पर रहम करें, उनकी तो गैस जो है वो बहाल करवाएं, अब उसकी फातिमा जिना के भी करवाएं और फेडरल लॉजेस 1-2 जो है उनको भी करवाएं, उन बेचारों का क्या कसूर है, वो तो बिल अपने देते रहे, इस पर कल करेंगे। आपने बता दिए इंशाल्लाह आने वाले दिनों का फॉलोअप भी आपके सामने देंगे। इसके साथ ही मैं इजाजत दीजिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।